हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सतवीर धीमान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे बिजेश्वर महादेव मंदिर, दियोथल, गंबरपुल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफ़र। हम गंबरपुल आए हैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। काफ़ी सुंदर मंदिर है गंबरपुल, सिरमौर ही याद रहता है मुझे अक्सर। एक्चुअली हम सोलन डिस्ट्रिक्ट में हैं इस टाइम, गंबरपुल डूंगरपुर। ये बैक में जो देख रहे हैं आप, ये टेंपल है बिजेश्वर महादेव करके, ये टेंपल यहाँ पर है। तो अभी हम जाने वाले हैं मंदिर के अंदर, चलिए चलते हैं। बिजेश्वर महादेव का ये मंदिर जिला सोलन के गंबरपुल नामक स्थान पर स्थित है। गंबरपुल सपाटू से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर है। बिजेश्वर महादेव जिला सोलन, सिरमौर और शिमला के कुछ क्षेत्रों के आराध्य देव है। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए हमें पार करना होगा बहुत ही सुंदर निर्मित ये झूला पुल। सोलन के कुछ क्षेत्र में बिजेश्वर देव को ज्ञाने का देवता भी कहा जाता है। बिजेश्वर महादेव भज्जी, बागल, क्योंथल आदि रियासतों के आराध्य देव है। देखिए दोस्तों, काफी सुंदर पुल है ये। यहाँ से शुरू होता है मंदिर का मुख्य परिसर, जिसे निहारते ही मन को अपार शांति मिलती है। प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार स्थानीय क्षेत्र कुठाड़ में एक स्थानीय राजा का आतंक
इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि काशी कश्मीर से वहाँ के लोगों ने बिजेश्वर देव का आह्वान किया और क्षेत्र की रक्षा के लिए उनको आमंत्रित किया। स्थानीय लोगों के आह्वान पर बिजेश्वर देव जलाशय अर्थात डाबरी से प्रकट हुए थे। बिजेश्वर देव ने राजा से युद्ध किया और बिजली के गोले से प्रहार करके दुष्ट राजा का अंत कर दिया। आसपास के क्षेत्र अर्की, कुनिहार, ममलीक, सायरी, कुठाड़, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बिजेश्वर देव के देवस्थल बने हुए हैं और जिसमें लोगों की अपार श्रद्धा है। बिजेश्वर देव को करियाला का देवता भी कहा जाता है। करियाला जिला सोलन की हास्य और नाट्य शैली है जिसका मंचन स्थान स्थान पर सोलन में किया जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार सभी लोगों को अपने ज्येष्ठ पुत्र के विवाह पर या फिर किसी भी आयोजन पर करियाले का आयोजन करवाना होता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और अनूठी कलाएं और परंपराएं देवभूमि हिमाचल को अलग से पहचान दिला पाती है। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखता है, इसलिए हर रोज़ यहाँ श्रद्धालुओं के तांते लगे हुए होते हैं। आप भी एक बार जरूर आए और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बिजेश्वर देव के दर्शन का लाभ उठाए। यात्रियों के सुविधा के लिए यहाँ पर सरायों की भी व्यवस्था की गई है। हर रविवार इस पवित्र मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ये जो झूला झूला ही कहेंगे इसे एक हिसाब से, ये जो पुल है ये बिल्कुल झूले की तरह पूरा फील देता है हमें। ये देख सकते हैं आप, इधर दिखाइए, ये देखिए तारों से किस तरह से बंधा है ये कुछ। उम्मीद है मित्रों आपको बिजेश्वर महादेव के इस देवस्थल के दर्शन करके आनंद प्राप्त हुआ होगा। इसी तरह की अन्य वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में प्रेस करें बेल आइकन ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल, जय सोलन, जय बिजेश्वर महादेव। यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो देखते ही बनता है, बहुत ही सुंदर यहाँ आसपास का दृश्य है और काफ़ी आनंद लेते हैं लोग। पानी में दिखाए आप, till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
dance through the house.